वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर पॉइंट भालकी में आप तमाम का वेलकम है। आज हम देख रहे हैं मैथ्स ब्रिज कोर्स पार्ट 9। पिछली क्लास में हमने डेसिमल इन मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन देखा था। आज हम इन डिवीजन देखेंगे कि हाउ टू प्लेस डेसिमल एंड जीरो। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। हम इसको मिसाल के जरिए से, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे किस तरह से डिवीजन में डेसिमल लगाया जाता है, अशारे लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेंगे। 723 डिवाइड 200, ठीक है। इसको हम 723 को 200 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आता है हमारा आंसर। ये 200। चलिए स्टूडेंट्स, 200 का टेबल पढ़ेंगे। 200 एक 200, 200 दुगनी 400, 200 तिया 600, 200 चौक 800 होते हैं, इस वाले डिजिट से कम लेना है। तो 200 तिया हो रहा है हमारे पास 600, माइनस कर लेंगे, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा और आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए, ये वाला डिजिट छोटा हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो है छोटा है बाकी, और यहाँ पे हमारी अलामत बड़ी दिख रही। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अशारिया लगा के यहाँ पे जीरो लेंगे, ठीक है। अभी देखिए, 2 छक्के 1200 होते हैं, ये 1200 हो गया, माइनस कर लेंगे, 0300, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होता है, अब 200 बड़ा है और 30 छोटा है अपने पास, तो हम क्या कर रहे हैं, 10 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 251 200 हो जाएगा, और माइनस कर लीजिए आपके पास, अब बच जाएगा 3 में 2 गए तो 1, ठीक है। अब और एक जीरो ऐड कर सकते हैं आप, जीरो ऐड करने में आपको कोई मसला नहीं है, आप जीरो ऐड कर सकते हैं। चलिए 205 1000 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर देखिए 000, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, इसका मतलब कंप्लीट सॉल्व। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर देखिए 3.615 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो ये जो आंसर आया है उसे 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप जो है ना क्रॉस चेक के जरिए से भी अपना आंसर मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा कि डेसिमल किस तरह से ऐड करें। चलिए और एक प्रॉब्लम लेके देखेंगे हम। अभी देखिए, 281 डिवाइडेड बाई 40, अब 40 से करके देखना है। चलिए 281 डिवाइडेड बाई 40 करके देखिए कितना आएगा। 40 का टेबल पढ़ लेंगे, यानी कि 4 का पढ़ लीजिए, 4 7 28 होते हैं, 28 ये 0 का 0, तो यहां पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, बच जाएगा यहां पर 1, ठीक है। अभी हम कैसा करेंगे, देखिए यहां पर अशारिया लगाए यानी के पॉइंट, यहां पर 0 लिए, अभी भी जो है ना नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 10 यहां पर लगाएंगे, 10 यहां पर लगाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से याद रख लीजिए, जब नहीं हो रहा तो 10 ऊपर लगाए, 10 हम नीचे लगा दी। अब देखिए 40 दुगनी 80 हो जाएंगे, ठीक है, बच जाएंगे हमारे पास 20, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, 20 है और 10 लगा लीजिए, यानी कि 10 नीचे लगाने में कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा हम 0 लेना रहा था, हम 10 ऊपर लगा के नीचे लिए थे, 10 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 4 5 20, ये आ जाएगा आपका 000, ये आंसर आपका, यानी कि 3.7025, यानी कि अगर 281 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए और एक एग्जांपल लेकर समझेंगे हम अच्छी तरह से। 381 को डिवाइड कर लीजिए 400 से, ये 40 से, देखिए कैसा होता है, 381 को 40 से डिवाइड करेंगे हम। चलिए 4 का टेबल पढ़ना है, 4 9 36 0 ऐड कर लीजिए, ये 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 स्टूडेंट। चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाना है इशारे और यहाँ पे 0, 4 5 20, अभी देखिए 0 1 बच जाएगा यहाँ पर, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे और 10 लेना है, 4 2 42 80 होते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 बच जाएगा और 10 लगा लीजिए, 45
200, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो, यानी कि 9.525 को अगर आप इंटू कर लेंगे, क्रॉस चेक कर दिखाता हूं एक रुक। चलिए स्टूडेंट एक क्रॉस चेक कर हम देख लेंगे कि जो आंसर आया है इसको अगर आप इंटू 40 कीजिए या 40 को इससे इंटू कीजिए आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। चलिए दिखाता हूं मैं, 0 × 5 जीरो होता है, 0 × 2 जीरो होता है, 0 × 5 जीरो होता है, और 0 × 9 भी जीरो ही होगा। चलिए दूसरा देखेंगे, 4 × 5 = 20, 20 का सिफर हासिल के 2 हो जाएंगे, 4 × 2 = 8 = 9 = 10, 10 का सिफर हासिल का 1 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 21 का 1 हासिल के 2, 4 × 9 = 36, 37 = 38। अभी देखिए 0 0 0 1 8 3, यानी कि 381000 हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3 के बाद डेसिमल है, 1 2 3, यानी कि 381.00 है, यानी कि 381 आपका आंसर फिर से यही वाला आया। यानी कि क्रॉस चेक करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप क्रॉस चेक भी आपका आंसर कर सकते हैं। तो आज हमने जो सीखा है कि डेसिमल किस तरह से लगाते हैं डिविजन में, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कम्प्लीट होता है। आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, उसको कर लीजिए और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये 3 आपके लिए होमवर्क हैं, यानी कि 421 को 3 से डिवाइड कीजिए आंसर बताइए, 823 को 200 से डिवाइड करके आंसर बताइए, और 200 को 4 से डिवाइड करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।